भी बुलाया और उन सब से कल फिर विचार विमर्श किया गया जो पैनल आए हुए थे, और उन पैनल्स के अंदर से हमने अब तक 64 सीटों पे ये डिसाइड कर लिया कि 64 विधानसभा क्षेत्र से किन किन साथियों को चुनाव मैदान में पार्टी की तरफ से भेजा जाए। हमने आज 64 लोगों की एक लिस्ट जारी करी है, तो आपके प्रेस के साथियों के पास चंडीगढ़ ऑफिस से मेल के माध्यम से अब तक मेरी कॉल पहुंच चुकी है। और बाकी जो हमारे 26 उम्मीदवार हैं, हम उनके ऊपर भी आज रात तक फिर से बैठ करके चर्चा करके इस बात का फैसला कर लेंगे, और कल सुबह उन 26 साथियों के नाम भी आपके सामने बताएंगे कि इन 26 जगह पे कौन कौन और साथी हमारे चुनाव लड़ेंगे। आज बड़ी हैरानी की बात है, अब तक 3 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की, जहां कांग्रेस ने तो अब तक घोषणा भी नहीं करी, बाकियों ने 2 पार्टियों ने घोषणा करी, और उन दोनों पार्टियों के खिलाफ बड़ा विद्रोह आज चल रहा है पूरे प्रदेश में, और इस इशू को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टिकट के हकदार तो हम थे, हमने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन हमारी अनदेखी करके ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जिनके पास अथाह पैसा था। पैसे के आरोप दोनों पार्टियों के ऊपर शरेआम लगाए जा रहे हैं। और तीसरी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी की हालत तो आज फिर ऐसी है कि अशोक तंवर जो है अपने तमाम समर्थकों को लेकर के हरियाणा के को दिल्ली में बैठे, और दिल्ली में बैठ करके शरेआम इस बात का आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस की टिकटों भी पैसों से बेचा जा रहा है। उन्होंने तो कैंडिडेट पैसे लेकर के टिकट लेकर के आया है, कौन व्यक्ति उनका नाम भी खुले रूप से आप सबके सामने दिया है, और वो लगातार कांग्रेस हाईकमान से बैठ करके कर रहा है कि अगर आपने कांग्रेस को बचाना है तो फिर नए सिरे से आपको सारी लिस्ट के ऊपर विचार करना चाहिए। इसी तरह के कांग्रेस के लोग भी जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से जिन लोगों को विश्वास देकर के इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया था, हमारी पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे साथियों ये कहकर के लेकर के गए थे कि हम आपको टिकट देने का काम करें। आज जहां उन लोगों को इन्होंने विश्वास खा दिया, वहीं अपनी पार्टी के भी ऐसे बहुत से साथियों के साथ भी भाजपा ने विश्वासघात किया, जो इनकी सरकार बनाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाने का काम किया था। आप मान करके चलो अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा की पोल हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों की ये जाकर के हमें कहना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस ने भाजपा ने क्या किया। अब तो उनके अपने साथी सभी में बात जाकर के लोगों के बीच में कहेंगे कि इनसे बड़ी पार्टी नहीं हो सकती, इनसे बड़े धोखेबाज नहीं हो सकते, इनसे बड़े दगाबाज नहीं हो सकते। इन लोगों ने जहाँ हमारे साथ धोखा किया, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया। अब आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। हमारा हर कार्यकर्ता हमारे कैंडिडेट के लिए जी जान लगाने का काम करेगा और 100% चुनाव के नतीजों को बदलेगा, और अब हरियाणा प्रदेश में अगली जो बनेगी सरकार उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी भूमिका में होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 100% सत्ता में आएगी। अभी जो 64 टिकटों की घोषणा की गई है उसमें किस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता दी गई है? हमने अब तक 12 महिलाओं को टिकट दी, उसके साथ हमने विशेष रूप से युवा वर्ग के लोगों को आगे किया है। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी के लोग आगे आएं, और वो आगे आकर के युवा पीढ़ी के लोग हरियाणा प्रदेश में नई हरियाणा बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करें।
हमने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जो कल किसी और पार्टी में था और आज आकर के उसने कहीं हमें कहा कि उस पार्टी ने तो टिकट देने से मना कर दिया, आप हमें टिकट दे करके एडजस्ट करके काम करो, हमें कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ने का काम करे। सर बीजेपी ने दो दो मंत्रियों के टिकट काट दिए, राव नरवीर के, क्या वजह लगते हैं इतने बड़े मंत्रियों के टिकट काटने पड़े, सीएम के खास खास थे? इसी बात से साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में आज ऐसे हालात हैं कि बीजेपी के लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री को अब इस बात को लेकर के सबक मिल रहा है कि किस तरह से उसने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने के लिए लालच लोभन प्रलोभन किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम, आज जब सभी उनकी पार्टी में बगावत हो रही है तो मुख्यमंत्री कभी एक कदम जाकर के चंडीगढ़ में रखता है, दूसरे कदम उसी वक्त जब कोई विद्रोही सामने आता है पार्टी का तो फिर दिल्ली आकर के उसको मनाने का काम करता है। लेकिन मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन में जनाजा निकलेगा। कांग्रेस में कुछ इस तरह के हालात हैं, अशोक तंवर सर आपने सुना होगा जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सोनिया गांधी के आवास पर, कैप्टन अजय यादव भी स्क्रीनिंग कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं। सुना नहीं, ये तो सरेआम सारा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व में रहा हुआ अध्यक्ष राहुल गांधी का जो बहुत चेता है आज किस तरह से गाड़ी के ऊपर बैठ करके अपनी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है। सरेआम कह रहा है कि टिकटें बेची जा रही है, कांग्रेस का टिकटें बेचने का कोई पहला दिन नहीं है, पहला काम नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस का बीजेपी का कल्चर रहा है, उन्होंने टिकटें बेचने का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज सरेआम इन दोनों पार्टियों पे आरोप लग रहे हैं। जहाँ इन दोनों पे लग रहे हैं वहीं तीसरी पार्टी पे जो एक नई पार्टी आपके प्रदेश में बनी है उसके ऊपर भी सरेआम इस बात के आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने भी अब तो स्टॉल लगा रखी है और स्टॉल लगा करके बैठ करके टिकटें बेच रहे हैं। एक एक टिकट की कीमत जो है इन्होंने 5 लाख से लेकर के करोड़ों रुपए तक की रखी हुई है, जैसा ग्राहक आता है उसी तरह के ग्राहक को पकड़ करके मालजन में डाल करके टिकट देते हैं। जाओ अगर जी आपने पहले भी कहा था कि जब टिकटों का ऐलान होगा बीजेपी वगैरह में तो फिर भगदड़ मचेगी, तो भगदड़ के बाद और वो नजर भी आ रही है कई जगहों पर नाराज हैं, तो इसका इस तरह की कोशिश नहीं कि आप लोगों से बात हुई तो इसका मतलब मेरा जो आरोप था जो बात मैंने आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखी आज आप सभी स्वीकार करते हो कि मेरी बात में दम था और मैंने लोगों के सामने एक सच्चाई रखी थी कि यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है। कुछ ऐसे लोग कहीं आपसे संपर्क साध रहे हैं कि अब एक क्योंकि हमारी पार्टी का एक फैसला है जितने लोग हमारे से संपर्क करेंगे 100% हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे कि कोई उस पार्टी में कल तक टिकट मांग रहा था और आज आकर के हमें ये कहे कि जी आप मुझे एक टिकट दो मेरी वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, वो हम नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमारे साथ लंबे समय तक रह करके लड़ाई लड़ी है हम अपने उन्हीं कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएं। सर एक सवाल सीधा सा ये भी है सर कि अगर आप जवाब देना चाहेंगे, इनेलो छोड़कर जो गए थे बीजेपी में बहुतों का टिकट कट गया है तो उनका रुख साफ है वापस उन लोगों को? अगर वो आएंगे वापस तो कार्यकर्ता के रूप में काम करें आकर, पहले पार्टी का कार्यकर्ता ही बनना पड़ेगा। सर कुछ सोचना ही है जींद और मेवात और कई जगहों से जेजेपी छोड़कर लोग वापस आ रहे हैं टिकट में? जेजेपी तो आज ऐसी हालत है कि केवल जींद में विद्रोह नहीं, आज जींद के साथ साथ आपका मेवात जो खाली हो गया उनका, मेवात के साथ आपका सोनीपत खाली होने जा रहा है, थोड़ी देर में और कई जगह से आपको खबरें सुनने को मिलेगी कि ये लोग पार्टी छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने तो हर किसी को एक को बुला करके कमरे में बाढ़ के कहा कि जा तू नॉमिनेशन की तैयारी कर, तू अपने पेपर तैयार कर, कल तेरा नॉमिनेशन कराएं, अगले दिन नॉमिनेशन टिकट में किसी और का नाम था। तो इस तरह से धोखे में रख करके आप किसी को अपनी पार्टी को जिंदा नहीं रख सकते। राजनीति के अंदर विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और अगर कोई आदमी विश्वास खो देगा तो वो राजनीतिक दल जो है गर्त में चला जाएगा।
आपकी पार्टी के नामों का आपने ऐलान किया, लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आपके यहाँ पर किसी तरह की नाराजगी नहीं होगी, क्या कुछ आपने सोचा? इसलिए नहीं होगी कि चौटाला साहब ने दो दो दफा, एक बार भी नहीं दो बार, कार्यकर्ताओं के पास जाकर सभी कार्यकर्ताओं से बुला करके मिल करके उन्होंने हल्के के हिसाब से मीटिंगें करके उनकी जिम्मेवारी लगाई, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करी और उनसे पूछा कि आप एक पैनल बना करके दो, हमें तीन तीन व्यक्ति, चार चार व्यक्ति, पांच पांच व्यक्ति जो पार्टी में चुनाव लड़ने के इच्छुक है और जिनको पार्टी का हल्के का कार्यकर्ता है, ये संस्था है कि हम जिस नाम का प्रपोज करेंगे वो कल हमारे पार्टी को, जहाँ संगठन को मजबूत करेगा, वहीं आगे चुनाव जीत करके आ सकते हैं। उन लोगों ने उनको पैनल बना करके नाम दिए। उसके बाद दो दिन में उन्होंने एक एक दिन में तीन तीन लोकसभा क्षेत्र की मीटिंगें करी और मीटिंगें करके उन लोगों से मिल करके फिर दोबारा पूछा कि आपने जो लिस्ट मुझे दी थी आप उससे संतुष्ट हैं? और फिर भी उन्होंने कहा कि आप मेरे को एक बार फिर नए सिरे से पैनल और बना सकते। जब उन्होंने पैनल बना करके दिए, हमने वो पैनल पुराने इस पे फैसला किया कि किन किन साथियों को टिकट दिया जाए। टिकट तो किसी एक को दे सकते हैं विधानसभा क्षेत्र, लेकिन हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स को और पार्टी के दूसरे सीनियर साथियों को बुलाया और उनके साथ बैठ करके 5 घंटे लगातार सुबह से उन पे एक एक सीट के ऊपर चर्चा करके फैसला किया और फैसला करके हमने सीटें सारियों पर तय कर रखी। लेकिन एक बार हमने ये तय किया है कि आज 64 सीट ही हम अपनी तरफ से डिक्लेयर करेंगे, आज रात फिर एक दफा बाकी जो 26 सीट उन पे बैठ के चर्चा करेंगे और कल सुबह वो जो 26 सीटें हो रहे हैं वो भी हम अनाउंस करेंगे। तो क्या तमाशा देख के आए? चल रहा है।